नमस्कार। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज मैं जो एक ऐसी योगिनी के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कामातुर रहती हैं। और ये जो है, इसके पहले मैं आपको कनकावती योगिनी के बारे में बता चुका हूँ, आज मैं दूसरा जो हूँ बताने जा रहा हूँ वो है मधुमती योगिनी। बहुत साल पहले की बात है, मैंने योगिनी या यक्षिणियों के बारे में बहुत ही रिसर्च करना शुरू किया है। मुझको जो है क्या कहते हैं, बहुत दिनों बाद एक जो बहुत ही सफल सिद्ध तांत्रिक से भेंट हुई। वो बनारस के थे और शमशान साधक भी थे। वो घूमते घूमते लखनऊ में आ गए थे और जिस भी होटल में वो टिके थे वहाँ बहुत भीड़ होती थी और वो ना जाने कैसे वो करते थे, लोग बाग चाहे जैसा कोई भी बीमार हो या कुछ हो उसको बता उसको ठीक कर देते तुरंत तुरंत। ऐसा नहीं कि घंटों या सुन रहे, सिर्फ छू के। और बहुतों का कष्ट दूर करने का उन्होंने वो किया, बहुतों का भूत वर्तमान भूत भविष्य सब बताया। अब बहुत भीड़ होती थी, नाम हमको ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम नहीं है, भूल गया हूँ, शायद चंद्रशेखर पांडे ऐसे कुछ थे उनका। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं होटल पहुँचा चंद्रशेखर जी जहाँ ठहरे हुए थे, बहुत भीड़ थी, तो मैंने किसी तरह से जुगाड़ लगा के मैंने जो उनके सब होते हैं चेले चपाटे उनसे कहा कि मुझको बाबा जी से एक बार मिलवा दो। तो जो है होटल में एक बहुत बड़ा सा पलंग जैसा था, सफ़ेद रंग की चादर बिछी थी, गाँव तकिए लगे थे और फूलों की माला पहने बहुत ही झमझमाते हुए चेहरे वाले, चमकदार चेहरे वाले, लाल रंग का टीका लगाए और लाल वस्त्र पहने और सफ़ेद रंग के छक छकाती हुई सफ़ेद चावत पर दीवान पीछे सब लगे हुए थे, वो तकिए जो होते हैं वो लगे हुए थे और एक थाली थी उसमें जो है फूलों से वो सजी हुई थाली थी, उसके ऊपर जो भी आता था उनके पैर छूता था वो बताते थे और अपने इच्छा से जो भी उस थाली में रुपए डाल देता था। वो थाली रुपयों से भर गई थी बिल्कुल। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि मैं एक तंत्र साधक हूँ, शमशान साधना करता रह रहा हूँ, आज बहुत सालों से कर रहा हूँ, मैं योगिनियों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ऐसे मैंने यक्षिणियाँ योगिनियाँ सिद्ध कर रखी हैं लेकिन आपके बारे में पता चला कि आप एक सिद्धहस्त हैं, तो क्या आप मुझको अपने साथ योगिनी की पूजा आप अपने निर्देशन में सिर्फ एक दिन एक रात आपको शमशान घाट में क्या मुझे आप योगिनी की कैसे पूजा की जाती है, कैसे उसका आप बता दीजिए। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत करता हूँ तो आपके निर्देशन में मैं सब कुछ सीख जाऊँगा। उन्होंने कहा, उन्होंने पता नहीं आसमान में देखा आग बन की और जो है हाथ उठाया आसमान की तरफ और उस समय जो है आम बहुत मार्केट में आ चुका था और बहुत महंगे भी आम थे। और उन्होंने एक बढ़िया सा खुशबूदार हरा हरा सा दशहरी आम मेरे हाथों में पकड़ा दिया। इतना बड़ा आम जो उन्होंने सिर्फ आसमान की तरफ हाथ बढ़ा के उठाया था और वो आ गया था आसमान से। अब वो मेरी तब बढ़ाया, मैंने कहा ये तो कोई जादूगरी नहीं लगती, कि इतना बड़ा आम था कि एक किलो का आम था, वो बहुत लंबा और बिल्कुल हरे रंग का बढ़िया। मैंने कहा इतना बढ़िया आम तो जो है वो कहीं छुपा के रख नहीं सकते, उंगलियों में फंसा नहीं सकते, कुर्ता में फंसा नहीं सकते,
और मेरे सामने मैं देख रहा था, क्योंकि मैं भी तंत्र साधक हूँ, देख रहा था, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन उसको आराम किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक, पूर्णिमा की रात्रि है परसों, तुम मुझको जो है बताओ तुम किस शमशान घाट में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर दो ही तीन हैं शमशान घाट, तो एक तो भाषा कुंड है जो कि अभी भी निर्जन है, एक जो है गुलाला घाट है, और एक बहुत दूर शहर से जरा सा दूर पड़ता पिपरा घाट। तीन शमशान घाट मालूम है, तीनों पे मैं जाता रहता हूँ पूजा करने, आप जिनमें से कोई एक चुन लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, शहर से दूर पिपरा घाट में चलते हैं, है ना, तुम जो है ठीक यहाँ पर 9 बजे आ जाना इसी होटल में, और उसके बाद मैं अपनी कार से तुमको ले चलूँगा। रात में जो मैं पूजा करूँगा योगिनी की, तुम उसको भली भांति देखना, मंत्र जो बताऊँगा कंठस्थ कर लेना, फिर अपने आप इसको करने की कोशिश करना। ठीक, 3 दिन बाद मैं जो हूँ बिल्कुल राइट टाइम 9 बजे होटल पहुँचा। होटल में जो है उस समय बाबा जी के पास शायद कोई भीड़ नहीं थी, मैं सीधे उनके कमरे तक चला गया, रिसेप्शन पर कह के कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मैंने नॉक किया, तो बाबा जी शायद उसी समय नहा के निकले थे, बाल उनके गीले थे, बड़े बड़े बाल थे और गोल चेहरा चमचमाता हुआ, और उन्होंने लाल रंग का कपड़ा पहन रखा था। मैंने कहा आ गए, चलो मेरे साथ। और फिर वो हमको अपने कार पे बैठा के, जो भी उनके किसी भक्त की हो या उनकी अपनी हो मुझको नहीं मालूम, कार पे बैठा के, और साथ में एक एक बंदा था जो कि लखनऊ ज़िले से भली भांति परिचित था, उसको पिपरा घाट का रास्ता भी मालूम था, सब कुछ मालूम था, तो वो साथ में बैठा हुआ था और कार वो ही चला रहा था। बाबा जी और हम पिछले सीट पर बैठे हुए थे, करीब आधे आधे घंटे पौन घंटे के भीतर हम लोग पिपरा घाट पहुँच गए। रात का करीब 9:30 बजा था। बाबा जी ने कहा, चारों तरफ से देखा उन्होंने, और चारों तरफ देख के उन्होंने एक निर्जन स्थान को चुना कि यहीं पर मैं आप रात्रि में पूजा करूँगा। तो मैंने जल्दी से जो है झाड़ू वाड़ू वहाँ रखा ही रहता था, क्योंकि मैं अक्सर जाता रहता था, झाड़ू निकाल के खूब अच्छी तरह से वहाँ पर झाड़ पोंछ दिया। उन्होंने अपने साथ एक चौकी लाए थे, उस पर जो है पता नहीं एक खूबसूरत सी महिला का जो है क्या कहते हैं जो है बहुत बड़ा स्टैचू यानी मूर्ति थी, वो उन्होंने रखा चौकी पर, लाल रंग का कपड़ा बिछा के, पहले फूल बिछाया उसको पर, और फिर जो है उन्होंने हमको एक कागज़ पे उसी समय मंत्र लिख के दिया। यही मंत्र जो कि मैं जो हूँ आज आपको बता रहा हूँ, और कहा आज मैं पूजा करूँगा, तुमको सब देखना है, इसके बाद तुम अपने आप करना और योगिनी तुमको सिद्ध हो जाएगी, और बहुत अच्छी पूजा रहेगी जो तुम्हारे सामने प्रकट भी हो जाएगी। रात का अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था, ये सब करते करते सामान इकट्ठा करके वो करके, और पूरा भली बातें से हाथ पैर धो के करीब 10:30-11 बज गए। बाबा जी ने कहा देखिए डरिएगा नहीं, तो उन्होंने झोले से आटा निकाला, एक बहुत बड़ा गोल घेरा बना दिया, फिर उस गोल घेरे के अंदर के लाल रंग के सिंदूर से एक घेरा बनाया, फिर जो है दो त्रिभुज बनाए, एक उल्टा एक सीधा, और जो दोनों त्रिभुजों का जो मध्यस्थ मध्य वाली जगह थी उसमें उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा सा जो है लाल रंग का सिंदूर से बना हुआ गोल घेरा बनाया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने चौकी रखा,
चौकी के ऊपर वो कपड़ा मतलब बिछाई हुआ था और उसका फूल बिछाई हुई था। उन्होंने जो है अपने जो है चौकी के पास जो मूर्ति वो लाए थे योगिनी की, उसको उन्होंने स्थापित किया, उसको अच्छी तरह से साज श्रृंगार किया फूलों की माला वाला चढ़ा के। और उसके बाद जो है उन्होंने सबसे पहले मशान पूजा किया, जो चिताएं तब भी थोड़ी बहुत जो जल रही थी वहाँ जाके अग्नि प्रज्वलित की, और थोड़ा सा उड़द और चावल शायद एक पुड़िया में बांध के लाए थे। उसको उन्होंने खप्पर निकाला अपने छेर झोरे से, और उस खप्पर में चावल और दाल उड़द की दाल, और उसको पहले देसी घी डाला 2 चम्मच, उसके ऊपर जो है क्या करते हैं जीरा का जीरा छौंका, फिर लाल मिर्च छौंकी, फिर जो है क्या करते हैं जरा सा आग को धीमे कर दिया, फिर खड़े हुए गरम मसाला डाला, फिर नमक हल्दी गरम मसाला इसको डाल के खूब अच्छे से खोला। खूब अच्छे से भूनने के बाद जब लगे कि हाँ अब खिचड़ी तैयार हो गई, तो उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया और उसको ढक दिया। फिर इतना होने के बाद उन्होंने जो है शमशान में जो भी पूजा की उसको पूरा उन्होंने चढ़ाया वो किया। और जो है आपको अब मैं ले चलता हूँ शमशान घाट के एक जलती चिता के पास। जलती चिता के पास जाके उन्होंने जो है नींबू काटा, कपूर रखा, लौंग रखा चारों कोनों पे, और जो है कुछ जो भोग प्रसाद चढ़ाना था वो अपने थर्मोकोल की उसमें लेके चले आए। एक गिलास में शायद शराब था, और उसको मंत्र पढ़ पढ़ के जोर जोर से उन्होंने मशान देवता की पूजा शुरू करनी शुरू कर दी। उसके बाद कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं भोग प्रसाद लाया हूँ, इसको आप चढ़ाइए, इसको आप स्वीकार करिए। फिर जो है उन्होंने भोग प्रसाद को एक एक करके मंत्र पढ़ते हुए उनको अर्पित करना शुरू कर दिया। चिता की जो अग्नि जो बुझने वाली थी एकदम से बहुत तेज भभक मार के उठी, कम से कम 5-6 फुट, बहुत भयंकर एक ज्वाला सी उठी। और उन्होंने एक एक करके सब जितने भी थे मांस मदिरा मत्स्य और जो है क्या करते हैं जो जो भी वो लाए थे सब उन्होंने प्रसाद के रूप में उनको अर्पित कर दिया। फिर उनको एक गिलास शराब जो है वही जलती चिता में डाल दी। उसके बाद जो है वो सब कुछ होने के बाद उठे, फिर जो है पता नहीं कहाँ अंधेरे में गायब हो गए चल के। थोड़ी देर में लौटे आसन पर बैठे, और बैठने के बाद खूब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, और थोड़ी देर बाद फिर मंत्र का जाप उनका जो है जोर जोर से जाप करा वो दूर हो गया। शायद वो संपूर्ण वातावरण को पवित्र करना चाहते थे। फिर माँ मधुमती योगिनी का आह्वान किया और पूजन प्रारंभ किया, उनको पंचोपचार से पूजन किया, समस्त भोग प्रसाद जो लाए थे वो चढ़ाया, माँ को फूलों से श्रृंगार किया और मंत्रों का जाप करने लगे। एक माला हुआ, 2 माला हुआ, 3 माला, 4 माला, 5वें माला में तो जो है रात में बिल्कुल पता नहीं कहाँ से मोर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, कोयल कूकने लगी, कौवे उड़ने लगे, चमगादड़ अपने सर पर से आकर टकराने लगे, हवाएं बहुत तेज चलने लगी। और इस तरह से 7वें 8वां माला हो गया, 9वां माला हो गया, 10वें में जो है वो दक्षिण दिशा के मुंह करके बैठे थे, चांद भरपूर रोशनी पूर्णिमा थी भरपूर रोशनी दे रहे थे, उसमें से दक्षिण दिशा की ओर एक अचानक आग की लपट जैसी उठी और बहुत ऊंची उठी और फिर गायब हो गई।
और धीरे 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 जो है जहाँ वो पूजा कर रहे थे उसके पास एक अपने आप आग लगनी शुरू हो गई, धुआं उठने लगा। और उस अग्नि या धुआं के बीच में मुझको लगा कि कोई स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही, कोई स्त्री की आकृति है। और 11 माला का जाप भी हो गया और उन्होंने पता नहीं कैसे जोर से रोने लगे और रो के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया, जहाँ पर वो आसपास से छाया जैसी कोई आकृति स्त्री की थी वो खड़े थे उसके पैरों की तरफ झुक कर माँ 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 कहने लगे, माँ प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। फिर कहने लगे, माँ आज ये देखने आया था पूजन, माँ ये जब कभी पूजन करने आए तो उसकी सहायता करेगा। फिर धीरे 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 करीब 10 मिनट बाद वो अचानक चैतन्य हुए, चारों तरफ देखने लगे। मान लो वो ये सब सब जो है जो भी कुछ कर रहे थे, माल हम तो ऐसे सोच रहे थे कि वो शायद ध्यानावस्था में कर रहे हैं या बेहोश हो गए हो या नींद में हो, क्योंकि एकदम से जैसे नींद से होती तो आदमी चकरा जाता है, वो इधर उधर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने हाथ उठा के मेरे सर पर रखा और थोड़ी देर तक मैं संज्ञासून हो गया। इसी के साथ ही मेरी ये पूजा मधुमती योगिनी की समाप्त हो गई। ये बहुत ही मैथुन प्रिय होती हैं, बहुत ही और आपको सब कुछ दे सकती हैं, बस इनकी आप कभी भी इच्छा ना करिएगा मैथुन करने की, अन्यथा आपको परेशानी होगी। और नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आप मंत्र मैं दे चुका हूँ उस मंत्र को आप भी जाप करेंगे जिस तरह से विधि विधान से उन्होंने के उस करके आप जो है श्रेष्ठता हासिल करेंगे। मैंने भी इसमें बहुत साल गवाए हैं, अब मुझको भी सिद्धस्थ हो गई है माँ। इस समय मैं शमशान इक्षिणी की पूजा कर रहा हूँ, 4 साल हो गए मुझको करते हुए। जब तक वो सामने आके आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं करता रहूँगा, और यदि जिंदगी रही तो सिद्ध हो जाऊंगा शमशानी इक्षिणी में भी। और ये योगिनियाँ जो होती हैं, जब माँ काली घोर नामक दैत्य से बहुत घनघोर युद्ध कर रही थी तो अपनी सहायता के लिए उन्होंने अपने सहचरियों को, आपने देखा होगा कि माँ काली जब युद्ध स्थल में जब उनकी फोटो होती है उसके आसपास बहुत सारी अग्नग्न कन्याएं नाचती गाती रहती हैं, कुश्यार भी घूमते रहते हैं, वो योगिनियाँ होती। उन्होंने 64 योगिनी की रचना की थी जो कि आज तक सभी बड़े तांत्रिकों ने राजनेताओं ने सबने उसको पूजा। मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, मंत्रों को सिद्ध किया और अपने जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मार्ग को प्रशस्त किया और मान सम्मान धन सब कुछ कमाया। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप सबको यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मधुमती योगिनी का वीडियो है, इसको देख के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नमस्कार नमस्कार। ये जो है मधुमती योगिनी का है और ये योग मधुमती योगिनी का मंत्र है और ये बहुत ही कामातुर होती हैं, अतएव इसका अनुष्ठान आपको निर्जन स्थान में करना भी है। अब बहुत ध्यान से मंत्र में बता दे रहा हूँ, विधि में फिर मैं आपको बताऊँगा बाद में। ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा। ये मंत्र है, इस मंत्र को आप जो है कम से कम 21 दिन आपको करना पड़ेगा। और 21 दिन
करना पड़ेगा और रोज 11 माला। विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जैसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिए। मैं कमेंट्स का बहुत भूखा हूँ, पता तो चले कि कहाँ आपके मन में मेरे लिए प्यार है कि नहीं है। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, यदि आप लखनऊ के हैं तो मुझसे आके मिलिए, मेरा आशीर्वाद लीजिए। तो मंत्र मैं फिर से बता रहा हूँ, ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा, ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ मैथुन प्रिय स्वाहा।